नमस्कार दोस्तों, पार्ट फोर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, आज इस ट्रेनिंग एग्रीकल्चर सीरीज का लास्ट पार्ट है दोस्तों। सो फाइनली अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इज गोइंग टू एंड टुडे। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट और एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की मेरे चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ गो थ्रू ऑल वीडियोज, बिकॉज दोस्तों नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड एक ही इंस्टीट्यूशन है। सो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर हो या आपका ट्रेनिंग मैनेजमेंट हो या मैनेजमेंट ट्रेनी हो, सो दोस्तों या फिर ट्रेनिंग मार्केटिंग हो, सब में क्वेश्चन आपको सेम या डिफरेंट डिफरेंट लेवल के मिलेंगे और वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कंसेप्ट में आपके सामने दिए जाएंगे दोस्तों। सो ऐसा मत कीजिए कि मैं ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का बोल रहा हूँ तो ट्रेनिंग मार्केटिंग करने देखूँ, ट्रेनिंग मार्केटिंग का बोल रहा हूँ तो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर करने देखूँ। इंक्रीज योर नॉलेज बेस, गेन योर रैंक एंड दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर सेशन टुडे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। दोस्तों आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, एडिबल पार्ट ऑफ नॉल कोल इज मॉडिफाइड लीफ, फ्लावर, स्टेम और रूट। दोस्तों राइट आंसर है कि मॉडिफाइड जो आपका स्टेम होती है वो होती है नॉल कोल में आपका एडिबल पार्ट दोस्तों। और एडिबल पार्ट से याद आया, अगर आप पोटैटो और स्वीट पोटैटो की बात करें तो उसमें कौन सा पार्ट होता है जो आपका एडिबल होता है या जो मॉडिफाइड पार्ट होता है? तो जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें जो आपका एडवेंचियस रूट होती है वो आपकी मॉडिफाइड पार्ट होती है जो आप खाते वगैरह हो, ठीक है। और जो आप पोटैटो में जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा अगर नॉल कोल की बात करें तो अगर आप बात करें ब्रैसी के और मैकून सॉरी कोल क्रॉप्स वगैरह की, ठीक है, तो कोल क्रॉप्स में दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो अगर बात करें तो अगर इनके जो बॉटनी से क्वेश्चन पूछ जा सकता है तो वो है दोस्तों कि जो कॉलीफ्लावर है ना, कॉलीफ्लावर के जो फ्रूट है उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट जो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम कर्ड। और वहीं अगर आप कैबेज की बात करें तो कैबेज के जो पार्ट होगा, जो फ्रूट होगा, उसको बोलते हैं हम आपका हेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैबेज और कॉलीफ्लावर का। इसके बाद अगर बात करें नॉल कोल की, तो नॉल कोल ऑलरेडी मीन्स मॉडिफाइड स्टेम हमने कवर कर लिया। तो क्वेश्चन 62 पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 62 है दोस्तों, सीड रेट ऑफ मेन जो मेन सीजन होता है ओनियन का पर हेक्टेयर के हिसाब से वो सीड रेट कितनी है? 2-4 के जी, 5-7 के जी, 8-10 के जी, 11-12 के जी। 5-7 के जी इज द राइट आंसर फॉर द ओनियन पर हेक्टेयर जो आपकी मेन सीजन में आपको सीड रेट देखने में मिलती है। इनके बाद अगर बात करें टोमेटो और पोटैटो की दोस्तों, तो टोमेटो और पोटैटो में दोस्तों अगर बात करें, जो अगर आपको जो पोटैटो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं दोस्तों। अगर आपकी बात करें कि 45-60 मिली एमएम जो डायमीटर है या जो ओवल शेप है उसके अगर सीड रेट बताए 2.2-2.5 टन होते हैं दोस्तों, ठीक है, इतनी पर हेक्टेयर उसके जो ट्यूबर हैं वो लग जाते हैं। और अगर बात करें हम टोमेटो की दोस्तों, तो टोमेटो जनरली होता है कि 250-300 ग्राम बहुत होते हैं उसके सीड्स जो होते हैं। 250-300 ग्राम पर हेक्टेयर इज़ इनफ टू मीन्स 250-300 ग्राम सीड आपके 1 हेक्टेयर के लिए इनफ होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने 3 के लिए टोमेटो ओनियन पोटैटो यानी कि हमने TOP कवर कर चुके हैं हम इस उसमें। तो इसको बोलते हैं दोस्तों वन क्वेश्चन मैनी कंसेप्ट, ब्रॉड माइंडेड थिंग से सोचिए, क्योंकि एवरी क्वेश्चन एवरी ऑप्शन इज द आपके किसी न किसी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फिर वह बनारसी करका इज अ वैरायटी ऑफ बनाना, ब्रिंजल, बोटल गार्ड, बर। दोस्तों बर की वैरायटी है बनारसी करका। और इसके अलावा अगर मेन अगर मेजर जो वैरायटी अगर पूछी जा सकती है वो बता देता हूँ आपको, जो वो है गोला, सेब और SEB, और एक है दोस्तों उमरान, और एक है दोस्तों कैथली, ठीक है। और ये आपके पास आ गया बनारसी करका। इनमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो गोला और सब और उमरान ये, और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बोलूँ तो गोला और सेब इज द राइट और इंपॉर्टेंट वैरायटी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है गोला और सेब से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ बनाना पर प्लांट इज 2। ये दोस्तों बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है, क्योंकि या तो इसमें लाइक आइडिया ही लगा सकते हैं, हर कोई इसको याद नहीं रख पाएगा। स्टिल अगर बात करें तो 200 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम, अगर मैं होता, अगर मेरे को नहीं पता तो दोस्तों मैं इसको छोड़ देता, क्योंकि लाइक क्या ही आइडिया लगाएं, पर प्लांट के हिसाब से बहुत कम ही आइडिया होगा, क्योंकि हमको क्या मैंगो वगैरह का थोड़ा बहुत रहता है, राइस वीट का जब जाना पड़ते हैं उसका रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन 64 का है 1-200 ग्राम इज द राइट आंसर, जो कि आपको बनाना के होते हैं। अगर पूरी बोलें तो NPK बात करूं, तो अगर बनाना की NPK तो 200 ग्राम ये चाहिए होता है दोस्तों, 60-70 ग्राम ये चाहिए होता है फॉस्फोरस, और पोटेशियम बात करें तो बहुत ज़्यादा ही चाहिए हमें, 300 ग्राम के आसपास पर प्लांट को चाहिए होता है, ठीक है, पर प्लांट के हिसाब से। अगर बात करें हम मैंगो की दोस्तों, तो मैंगो में दोस्तों क्या होते हैं 100 पर ईयर आपको डोज देना पड़ता है, 100 ग्राम पर प्लांट को, वो बढ़ाते रहना है, मतलब फर्स्ट ईयर में 100, सेकंड ईयर 200, थर्ड ईयर 300, 400, 500 ऐसे ऐसे पर ईयर
पर प्लांट को, ठीक है। उसके बाद ये हो गया दोस्तों आपका मैंगो की, ये था आपका बनाना की। तो अब एक और मेजर क्रॉप क्या बच गई, पपाया, राइट। पपाया की बात करें तो वही अगेन एन पी के, अगर पपाया की बात करें तो वो 200 से 250 के आसपास ये आपको नाइट्रोजन लगेगा उसको, ठीक है। उसके बाद 200 से 250 ही आपका जो है उसको फॉस्फोरस लगेगा। और पोटेशियम की बात करें तो अगेन इसमें ज़्यादा नहीं, 400 से 450 ग्राम तक आपको पर प्लांट के आसपास इसमें पोटेशियम आपको देना पड़ेगा। ये हो गया पपाया की। तो मेजर क्रॉप का हमने यहाँ पे कर लिया, वही A1 क्वेश्चन, मेनी कंसेप्ट देना था दोस्तों। अर्का हरित इज ए वैरायटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप पढ़ा होगा जनरल एग्रीकल्चर नेम रहा सुंदर वगैरह, अगर कहीं भी पढ़ो तो अर्का हरित डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि भाई अर्का हरित की वैरायटी क्या, कौन सी है, मतलब किसकी वैरायटी है, बोटल गार्ड, बीटर गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, मस्कमेलन। तो दोस्तों अर्का हरित इज अ वैरायटी ऑफ यूर बीटर गार्ड। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो आपसे पूछी जा सकती है, वो है पूषा विशेष। पूषा विशेष आपको पूछी जा सकती है क्योंकि ये बीटल गॉर्ड की इंपॉर्टेंट वैरायटी, और सीधी से बात है पूषा है तो भाई कहाँ से लीज हुई है, IRII से, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट है। जो अर्का है वो है IIHR बेंगलोर से लीज, ठीक है। काफ़ी कंसेप्ट एक क्वेश्चन में हमने कर ली। फिर इसके बाद दोस्तों आपके पास स्पॉन्ज गार्ड है, मस्क मेलन है, बोटल गार्ड है, इनकी जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो आपको बता देता हूँ। एक है दोस्तों पूषा सुप्रिया स्पॉन्ज गार्ड, और है पूसा चिकनी, चिकनी जो मिली, राइट। पूसा चिकनी और पूसा स्प्रिया आपकी स्पॉन्ज गार्ड की वैरायटी है। उसके बाद दोस्तों आता है बोटल गार्ड का नंबर। बोटल गार्ड में अगर दोस्तों PBOG1, और जहाँ तक मेरे को याद इसको शायद मेघ दूध भी बोलते थे, राइट, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे PBOG1 है ये आपका, क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर में इसका हाइब्रिड टाइप हो गया। और पूसा मंजरी है, पूसा मंजरी, और सॉरी पूसा मेघदूत अलग ही है दोस्तों, मैं गलती लगा, पूसा मेघदूत। तो पूसा मेघदूत और PBOG ये तो आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ही, किसकी, बोटल गार्ड की, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बनाना स्वीट इज ए वैरायटी ऑफ चिल्ली, मस्कमेलन, एप्पल, बनाना। हम तो लगाएंगे बनाना भाई, अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन में, लेकिन हमारा गलत हो जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, जो भी आप करके आ रहे हो सिक्योर करके आइए, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर राउंड कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बंदा एक सब्जेक्ट में तेज होगा तो दूसरे सब्जेक्ट में वीक होगा, तो इसी हिसाब से आप एक्यूरेसी पे एक्यूरेसी मैटर करेगी आपको इस एग्जाम्स को पार लगाने को, ठीक है। तो बनाना स्वीट है दोस्तों एक वैरायटी जो अमेरिकन नेशंस में वगैरह में मिलती है, और ये है चिल्ली की वैरायटी है, ठीक है। तो चिल्ली इज द राइट आंसर फॉर योर बनाना स्वीट। अगर इसके अलावा अगर बनाना और बात कर ली, अगर बनाना की बात चली गई है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूँ जो बनाना की जो वैरायटी है ना, जो इम्पोर्टेंट वैरायटी, एक है लेडी फिंगर, वो टिपिकल सी है ना, तो दोस्तों इसलिए तो मैं आपको बता दी, क्योंकि लेडी फिंगर आप बोलोगे अरे तो भिंडी वगैरह के रिलेटेड होगी, लेकिन दोस्तों लेडी फिंगर इज द वैरायटी ऑफ योर बनाना, ठीक है। इसके अलावा अगर बोले तो कैवेंडिश, पूवन, चंपा, ये सब इंपॉर्टेंट वैरायटी है बनाना की। जो स्पेसिफिक थी मैंने आपको, जो अलग सी लगी वो मैंने बता दी आपको, लेडी फिंगर। और इसके बाद आता है दोस्तों एप्पल की। तो एप्पल में दोस्तों क्या होते हैं, जो क्लोन होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं कि M9 और M27, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लोन है, इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये है अल्ट्रा ड्वार्फ क्लोन होते हैं दोस्तों। जिससे अगर आपको अल्ट्रा ड्वार्फ क्लोन चाहिए तो M27 जो रूटस्टॉक वगैरह होगा उससे निकाल लीजिए, उससे आपको प्रोपोगेट करना पड़ेगा। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP के लिए जो होगा वो होगा MM9 का, जो होगा ड्वार्फ क्लोन है ये भी, और ड्वार्फ मीन्स रूट स्टॉक होगा, तो इसे HDP मीन्स हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें वैरायटी की, तो एप्पल की बात करें तो जैसे रेड फजी है, रेड डिलीशियस है, स्कारलेट है, स्कारलेट गोला इज अ वैरायटी। और गोला अगर वैरायटी पूछो किसकी थी दोस्तों, बर्क की वैरायटी है, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों मस्क मेलन इन नॉर्थ इंडिया इज सोन इन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और क्या है अगस्त, सितंबर। दोस्तों मस्क मेलन बोलते हैं कचरा, मीन्स आपको पता ही है कचरा, मीन्स आपको बीच में मिल जाता है जैद सीजन की क्रॉप में, आप एज ए जैद सीजन क्रॉप में आपको मिल जाता है। तो मस्क मेलन किस कब ग्रो होगा, यानी कि आपकी जो खरीफ सीजन होगा उससे पहले पहले ग्रो होना चाहिए, यानी कि बीच के जो जैद सीजन हो उसके बीच में। तो दोस्तों फरवरी मार्च इज द राइट आंसर, मीन्स क्वेश्चन 67 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन 68,
क्वेश्चन 68 है दोस्तों आपका, सीड रेट ऑफ द बोटल गार्ड बोटल गोर्ड फॉर समर क्रॉप इज। दोस्तों बोटल गोर्ड की सीड रेट मुझे 2 to 3 kg, 4 to 5 kg, 6 to 7 kg, 8 to 9 kg, ऑन एन एवरेज अगर आपको आइडिया भी हो तो 4 to 5 kg पर हेक्टेयर आपकी बोटल गार्ड की आपको सीड रेट चाहिएगा। और बोटल गार्ड की बता चुका हूँ कि PBOG1, यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि जो PBOG1 है ना, जो मैंने आपको बोला गलती से अपने मेघदूत बोल दिया था, उसको बोलते हैं हम पंत शंकर, ठीक है, इसका नाम है दूसरा दोस्तों PBOG, ठीक है। और दोस्तों बोला था कि जो पूसा मेघदूत, मैंने जो ऊपर थोड़ा गलत बोल दिया, जो पूसा मेघदूत है ना वो आपका F1 हाइब्रिड है जो कि पब्लिक सेक्टर में है। सॉरी मैं आपके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैंने गलती बोल दिया। ये है जो इंपॉर्टेंट है, PBOG और पूसा मेघदूत मैंने आपको बता दिया। और पूसा मेघदूत है दोस्तों F1 हाइब्रिड है जो पब्लिक सेक्टर में है। और फिर से बोल दे रहा हूँ कि PBOG1 इज आल्सो नोन एज पंत शंकर, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका फैमिली ऑफ कैरेट। फैमिली ऑफ कैरेट कौन सी है? अम्बिलिफेरे, सोलनेसी, क्रूसीफेरे, एपीएसी। दोस्तों जो एम्बिलिफेरे सोलनेसी फैमिली, इसमें टोमेटो पोटेटो वगैरह आ जाते हैं। क्रूसीफर सा ये इसमें मस्टर्ड वगैरह का आपको देखने को मिल जाता है। एपीएससी और अम्बिलिफेरे रहेगी। अब इसमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? अम्बिलिफेरे इज द राइट आंसर। और दोस्तों इसमें इसके अलावा कैरेट के अलावा अगर अम्बिलिमिस, इसमें अम्बल टाइप है ना, इसका इनफ्लोरेसेंस का साइज इनफ्लोरेसेंस बनेगा, फूल टाइप बनता है, उसको बोलते हैं अम्बल, ठीक है। तो इसको इसमें दोस्तों फैनल या आप बोलते हो ना सौंफ वगैरह, क्यूमिन जो आप बोलते हो, ठीक है, क्यूमिन, जीरा वगैरह, कोरिएंडर आपको जो बोलते हैं, धनिया, राइट, ये सब इसमें अम्बिलिफेरे में आते हैं। उसके बाद सोलनेसी में आपको पता है कि टोमेटो पोटैटो ब्रिंजल कैप्सिकम चिल्ली ये सब आ गया। आप क्रूसीफेरे की बात करें तो वो आपका कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रसल्स, मीन्स जो आपकी ये क्या बोलते हैं कोल क्रॉप्स होती है वो क्रूसीफर्स में आ जाती हैं, ठीक है। फिर आता है एवरेज यील्ड ऑफ टर्निप पर हेक्टेयर इज। दोस्तों ऑन एन एवरेज इसकी क्या यील्ड रहती है? 50 to 150 क्विंटल, 150 to 250 क्विंटल, 250 to 350 क्विंटल या 350 to 450 क्विंटल। दोस्तों राइट आंसर है कि 150 to 250 क्विंटल, मीन्स 1.5 टन टू आपका 2.5 टन तक आपको देखने को मिल जाता है एवरेज यील्ड ऑफ टर्निप पर हेक्टेयर, नॉट एकर, इस हेक्टेयर, मीन्स 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 2.5 एकर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके चल जाते हैं रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन इसमें, फिर कंप्यूटर है, रीजनिंग है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बुल बियर, शेयर मार्केट, कालिदास, मीन्स जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत आता है इंग्लिश का। ये था आपका दोस्तों ट्रेनी है जो कि आपका एग्रीकल्चर जो ट्रेनी है उसका क्वेश्चन, ये आपका प्रूफ भी दे दिया मैंने यहाँ पे। और दोस्तों बने रहिए, दोस्तों मैंने जो भी आपके वीडियो अपलोड किए हैं आपको इन्फॉर्मेशन आई बटन है ऊपर उसमें देख लीजिए, मैंने लास्ट पार्ट की उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसमें अगर जाओगे तो आपको अलग अलग पार्ट की जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इम्पोर्टेंट पार्ट खत्म हो गया जो आपका ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का था, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड था, इससे आपको आइडिया हो गया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और दोस्तों हमारे वीडियो देखते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई भी कमी, कोई भी इंप्रूवमेंट आपको नीडेड है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ दोस्तों। प्लीज़ वी नीड योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच, एंड धन्यवाद, थैंक यू।